19वां इंडियन टेलीविजन अवार्ड पहली बार मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर शहर में आयोजित किया गया। आईटीए अवार्ड लेने छोटे पर्दे के सभी सितारे इंदौर में रेड कार्पेट पर नजर आए और वहीं स्वच्छता के लिए इंदौर को 57वां पुरस्कार भी दिया गया। थैंक यू। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स, बेस्ट टेलीप्ले, बेस्ट रियलिटी शो, बेस्ट डायरेक्टर ड्रामा, बेस्ट डायरेक्टर कॉमेडी, बेस्ट डायरेक्टर माइथोलॉजिकल, बेस्ट इवेंट, बेस्ट ओरिजिनल फिल्म, बेस्ट एडिटर, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट म्यूजिक कंपोजिशन, बेस्ट सिंगर, बेस्ट डायलॉग कॉमेडी, बेस्ट डायलॉग ड्रामा आदि कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं। कपिल शर्मा को भी अवार्ड दिया गया। इसके बाद डांस एवं सिंगिंग परफॉर्मेंस हुए जिसने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में कीकू शारदा के हसगुल्लों ने इंदौरियों को खूब हंसाया। कृष्णा अभिषेक के चुटकुलों ने भी इस शाम को यादगार बना दिया। कीकू शारदा ने बाद में आदित्य के साथ शो को होस्ट किया। ये इंदौर मतदान के बड़े सौभाग्य की बात है। इंदौर में आदरणीय कमलनाथ जी ने जो इंदौर पहली बार अवार्ड कराया, इसलिए बधाई की बात रहता है। इंदौर आके स्पेशली क्योंकि आज मुझे नॉमिनेशन मिला है बेस्ट सिंगर कैटेगरी में फॉर द टाइटल ट्रैक ऑफ कहां हम कहां तुम, तो मुझे उम्मीद है कि इंदौर विल गिव मी दैट प्रेजेंट एंड आई विल विन। इंदौर शहर आया ना तो मुझे बस वो पोहा जलेबी याद आ गई। आप लोग लेकर नहीं आए मेरे लिए? सर आपके मंगाए। बट ब्यूटीफुल वेदर यार, अच्छा है। और आप लोगों का शहर तो वर्ल्ड में मतलब इंडिया का क्लीनेस्ट आई थिंक सिटी इन इंडिया एंड वो दिखता है। आप लोग दिल के भी बहुत साफ हैं, अच्छे हैं एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द इवनिंग एंड यस जस्ट फिंगर्स क्रॉस कि मुझे और तो मैं पहली बार नहीं आई हूँ, पहले कई बार आ चुकी हूँ और मुझे इंदौर खाने के लिए और भी अच्छा लगता है। आपको पता है मेरे शो मम्मी का मैजिक में मैं तो हेल्दी खाना बनाती हूँ, लेकिन ये जगह है जहाँ मैं हेल्थ वेल्थ सब भूल जाती हूँ और खूब दबा के खाती हूँ। जी मेरा नाम है ईशा कंसार और सबसे पहले इंदौर वासियों को मेरा बहुत सारा प्यार। इंदौर में पहली बार आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ की खूबसूरती देख के और मुझे यहाँ आके पता चला और दिख भी गया कि इंदौर को सबसे क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला गया है पहले भी और अगले कई साल तक आई होप के मिलता रहे और इसी तरह इंदौर में हरियाली और स्वच्छता बनी रहे। एक्साइटमेंट बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कमाल हम लोग किसी और जगह पर। इतना एक्साइटमेंट बोर्ड शोज में रहा नहीं है, यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ गया। मेरे ख्याल से बहुत एक्साइटिंग है इंदौर के लिए, सभी लोग बहुत खुश है। जो इनके चहेते एक्टर्स हैं, टेलीविजन सीरीज बहुत पॉपुलर है यहाँ पे, तो उनको भी देखने के लिए बहुत उत्सुक है। मैंने देखा होटल में भी बहुत लोग आए थे वेलकम करने के लिए, तो इंदौर के लिए बहुत फैसिनेटिंग इवेंट है। इंदौर आगे आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यार, बहुत साफ चला है। आज मुंबई ऐसा होता है, मजा आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ इंदौर आके, मैं बहुत सालों के बाद इंदौर वापस आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। एक चीज जो मुझे थोड़ा ऐसे दुख हो रहा है वो ये है कि कल सुबह की फ्लाइट है और मैं वो सराफा नहीं जा पाऊंगी, तो ये थोड़ा दुख हो रहा है मुझे। मगर मैंने सुना ये बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे ज्वेलरी की दुकानें हैं और जब बंद होता है वहाँ पे तो खाने की स्टॉलें लगती है। इंदौर में जब भी आता हूँ बहुत खुशी होती है एंड इस बार इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि आईटीए पहली बार यहाँ पे हो रहा है। इंदौर की जनता हमेशा बहुत ही अच्छी जनता रही है, मेरे को हमेशा आना अच्छा लगता है यहाँ पे। इंदौर के स्वच्छता में नंबर वन आने के बाद नगर निगम महापौर मालिनी गौड़ और निगम आयुक्त आशीष सिंह को कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इस दौरान स्वच्छता के लिए नया गाना भी लॉन्च हुआ। हैट्रिक के बाद अब कचरा गाड़ियों में चौका लगाएंगे गीत बजाया जाएगा। इस गीत को शंकर महादेवन ने गाया है। सूरज की किरणों से चमचमाता इंदौर, चांद की रोशनी से रोशन है इंदौर। सूरज की किरणों से चमचमाता इंदौर, चांद की रोशनी से रोशन है इंदौर। स्वच्छता आदत है, स्वच्छता त्योहार, हैट्रिक लगाया मिलके चौका होगा इस बार। चौका 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 लगाएंगे, चौका
स्वच्छ बनाया। स्वच्छ बनाया गली गली और मोहल्ला, करते करते हो हल्ला, स्वच्छता के दूत बनके हमने कर दी है हल्ला। स्वच्छता आदत है, स्वच्छता त्योहार, हैट्रिक लगाया मिलके चौका होगा इस बार। चौका चौका रिपोर्ट खबर मध्य प्रदेश।